मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आपके द्वारा जो निर्जला एकादशी का पिछला वीडियो था, जिसे मैंने आज सुबह ही अपलोड किया था, उसे आप लोगों ने देखा। बहुत सारे आपके सवाल थे, मेरा प्रयास है कि उन सवालों का भी जवाब दूं। साथ ही साथ आज का जो प्रमुख विषय यही है कि निर्जला एकादशी जो वर्ष भर का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा एकादशी माना गया है। वैसे एकादशी की तुलना हम नहीं कर सकते, ये हमारी अज्ञानता होगी, क्योंकि हम किसी भी देवी देवता की या माता पिता की किसी की भी हम लोग तुलना नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि व्यास जी ने बताया भीम सेन को कि सभी एकादशियों में इस एकादशी की महत्ता थोड़ी सी भिन्न है और महान है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके नियम अलग है। यह कठोर तप का है, कठोर संकल्प का व्रत है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, आप सभी को सादर धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोगों ने व्रत को करने का तो प्रयास किया। देखिए, एक ही बार में हमें लक्ष्य मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए आप प्रयास करते रहें। किसी वर्ष आप अगर प्रारंभ कर रहे हैं, पहली बार की बात है, आपका शरीर उसके योग्य नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई समस्या आ रही है, किसी का जैसे किन्नी भाई को अगर बुखार पकड़ा है, ऐसे संदेश किए थे, तो अगर बुखार आ रहा है या कोई शरीर में कोई व्याधि आ रही है, तो आप भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। पूजा को जल हाथ में लेकर के समर्पित कर दीजिए कि प्रभु इतना ही मुझसे बन पाया, और जहाँ रहे अगर जल नहीं है तो मानसिक रूप से हाथ को ऐसा करके भगवान से विनती कर लीजिए कि हे प्रभु, मेरा जो व्रत है उसका पुण्य फल आपको समर्पित, ऐसा भाव रखना चाहिए। अगर किसी को बहुत ही भूख लग रही है या कुछ है, तो ये व्रत ही ऐसा है। इस व्रत का यही तो प्रताप है कि हमको अपनी व्याधियों को, जो भूखा है, देखिए जो वृकोदर जिसको बोला गया है भीमसेन जी, भीमसेन जब उनके पेट में जो एक अग्नि है, हर किसी व्यक्ति के पेट में एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि बोलते हैं, ये किसी का ज्यादा जलता है तो उसको ज्यादा भूख लगता है, किसी का कम जलता है तो उसे कम भूख लगती है। तो जब पेट की जो अग्नि है उसकी अलग अलग स्थिति होती है, तो हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। तो किसी व्यक्ति को ज्यादा अग्नि के प्रभाव से भूख बहुत लगता है, तो ऐसे में तुलसी उसका एक विशेष औषधि के रूप में माना गया है। तो ऐसे में तुलसी मिला हुआ जल उनको पीना चाहिए, तांबे के लोटे से मिला हुआ जल पीना चाहिए, घड़े के पानी का जल उनको पीना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग अगर व्रत रख रहे हैं, संकल्प भी कर लिए हैं, तो प्रयास करें, पूरा करने का प्रयास करें, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वहीं पर ही भगवान को समर्पित कर दीजिए। और फिर भी प्रयास ये करें कि कुछ आहार लेना है, अगर लेना है तो ऐसा आहार लीजिए जो उस व्रत में एकादशी में, जैसे एकादशी के दिन सेम नहीं खाना चाहिए, अगर उसको घर में बन रहा है तो ये गलत स्थिति है। अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो आप अन्न का ऑप्शन ढूंढ लीजिए, आप दूसरा कुछ चीज ढूंढ लीजिए जिससे, जिसमें ज्यादा अन्न का प्रयोग ना हो, तो ऐसा आप कर लीजिए। और एकादशी, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, तो इसका इतना ज्यादा प्रभाव है, इतना ज्यादा पुण्य फल है, इसको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर इसको आप एक बार करते हैं तो 1 करोड़ सोने का फल चढ़ाने का फल मिलता है। हम भगवान को 1 करोड़ सोने का फल चढ़ा रहे हैं, ऐसा फल हमको मिलता है। साथ ही बोला गया है कि इस दिन जो भगवान शिव जी की भी पूजा करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान शिव जी सदा ध्यान करते हैं विष्णु जी का, और विष्णु भगवान ध्यान करते हैं भोले बाबा का, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों का हमको अगर प्रभाव मिलता है, तो हमारे जीवन में विशेष शुभता आती है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल थे कि हम लोगों ने व्रत को प्रारंभ तो कर लिया, आपने बताया प्रारंभ किया, लेकिन पारण कैसे चले और पारण में क्या खाए, क्या आहार लेना चाहिए। वैसे तो बताया गया है कि व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्योदय से 4 घंटे को मान लीजिए, जैसे 6 बजे है तो 10 बजे, ऐसे मैंने बताया था। तो 10 बजे आप पहला काम करिए, कोई गौ माता दिख रही है तो उनको कुछ दे दीजिए गाय के नाम से। दूसरा, आपको एक घड़े का दान करना है किसी गरीब के यहाँ, अन्न का दान करना है किसी गरीब सत्पात्र के यहाँ, और अगर कोई गरीब ब्राह्मण मिल जा रहे हैं या कोई ब्राह्मण जिनका रोजी रोटी सिर्फ इसी से ही चलता है आपके दिए दान से, तो वह अवश्य खुश हो जाएंगे, और उनको अवश्य प्रणाम करिए, प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद अच्छे से मांग लीजिए।
अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो आपका काम अवश्य हो जाएगा। साथ ही साथ बोले कि आपके जीवन में कई प्रकार के समस्याएं आ रही है, कोई भी मानसिक चिंता है, तो एकादशी के एक व्रत से ही पूरा जो दोष है, जो भी संकट है, पीड़ा है, वो सभी शांत हो जाते हैं। अब देखिए, ये निर्जला महा एकादशी माना गया है, भीमसेनी भी नाम है इसका, तो इसको यही समझ जाइए कि इसका अगर व्रत हम पूरे नियम से करते हैं तो बहुत ही इसका फल मिलता है हमको, साथ ही साथ स्वर्ग की प्राप्ति तो मिलते ही मिलती है। और जैसे भीम ने किया वैसे ही हमको करना चाहिए, मैंने नियम को पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम सभी नियम को कर रहे हैं, पारण भी कर रहे हैं, पारण में क्या खाए, पारण में आपको लहसुन प्याज संबंधी नहीं खाना है, गरम चीज को ही आप ले सकते हैं, द्वादशी के दिन आप अन्न ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुलसी का पत्ता उसमें रखना ना भूले, पहले भगवान जी को आप समर्पित करिए कोई भी प्रसादी को, और फिर आपको प्रसाद को लेना है, प्रसाद को पाना चाहिए। प्रसाद को जब ग्रहण करते हैं तो प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, तो ये है प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। तो आप जैसे ही उसको ग्रहण करें आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें। हाँ, आज अगर आपको शयन करते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। कई लोग का सवाल था कि मेरा अगर दिन में सोने की इच्छा हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, या कई लोग को अगर नींद पड़ गया तो क्या करना चाहिए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तेह तैसी, अर्थात प्रभु जी का हम लोग जैसे भाव से ध्यान करेंगे हमको पूरा फल मिलेगा। मूल बात यही है कि आपको इतना जान लेना है कि आपको भगवान का नाम थोड़ा सा भी समय मिलता है, जितना बन पड़े आपको करना चाहिए, यथाशक्ति यथाभक्ति संकल्प में आपने किया था, आप लोगों को भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। कोई भी काम को रोकना नहीं, काम पहले है और काम के साथ ही साथ भगवान का नाम भी आवश्यक है। अगर दोनों जुड़ जाता है तो आपको भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। अगर आप काम धाम छोड़ करके भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भी आपको फल मिलने वाला नहीं है। आपको विशेष करके देवी देवताओं का नाम तो लेना ही चाहिए, लेकिन अपना जो कर्म है, अगर आप कोई व्यवसायी हैं, अगर कोई आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय करिए, आप अगर कोई विशेष रूप से कोई छात्र हैं, अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई अवश्य करिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, अपने काम को पहले ध्यान देना है, साथ ही साथ देवी देवता का सुबह शाम दो समय ही तो करना है। अगर दो समय हम लोग पूजा कर रहे हैं, देवी देवता का नाम ले रहे हैं, और अगर साल में बहुत सारे व्रत होते हैं, साप्ताहिक व्रत होता है, दिन का व्रत होता है, साथ ही साथ जितने भी प्रकार के व्रत हो रहे हैं, अगर हमको आस्था है तो कोई ना कोई व्रत को हमको करते रहना चाहिए। और इस व्रत को करने के बाद आपको विशेष रूप से भगवान की कृपा दृष्टि मिले, मेरी यही कामना है कि आप सभी पर भगवान हरि की कृपा दृष्टि बने, भोले बाबा की कृपा दृष्टि बने। साथ ही साथ इस पूजा के बाद दान करना चाहिए, कई लोगों ने आज दान भी किया है मंदिर में, हम देख सकते हैं कि ऐसा दान आप चाहें तो कर सकते हैं। और मंदिर में जब दान करेंगे और देवी देवताओं को जब भी कुछ चढ़ाएंगे तो आप अवश्य रूप में विशेष करके देखिए, कई लोग घड़ा को चढ़ाते हैं, कई लोग वस्त्र आदि चढ़ाते हैं, तो आप संकल्प अवश्य करा लेवे, और या तो फिर मन ही मन आप सोच लीजिए कि प्रभु मेरे घर में मुझ पर हर किसी पर भगवान जी की कृपा दृष्टि बने। और जो विशेष रूप से ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है इससे हम सभी को मुक्ति मिले, प्रभु हम सभी पे कृपा दृष्टि बनाए। साथ ही साथ इस व्रत को करने से आप सभी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आप सभी को मानसिक सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिए। कुछ सवाल होंगे तो मुझे लिख भेजिए, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सब पे अवश्य आपको सही और उचित शास्त्रोक्त प्रमाण या सलाह दूं, जिसके माध्यम से आप सभी सही रूप से इस व्रत को कर सके। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद, नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल के साथ बने रहे, मैं ऐसे ही सरल सरल विषयों पे आप सभी के बीच जुड़ता रहूंगा। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, राम राम, जय श्री।